आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हिच इज डेल्टा एस ऑफ H2O, जो उसके हमें दे रखे हैं, काफी कंडीशंस दे रखे हैं, और जो हमारा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है वो है 40 किलो जूल पर मोल, और हमारा सीपी है वो है 75 जूल पर मोल पर केल्विन, और सीपी है हमारा गैस के लिए 35 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, जो कि है H2O liquid which goes into H2O gas, ठीक है, H2O gas, ठीक है। पहला जो उसकी कंडीशन है ये है 180 पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, बाद में ये जब गैस बना तो ये बन गया 180 पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर ये बाद में इसमें H2O गैस बना और इसका जो स्टेट है वो चेंज हुआ 2 atmospheric और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। तो हमें दो इनका निकालना है, एंट्रोपी चेंज, दो स्टेट चेंज हो रहे हैं हमारे, तो हम पहला निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो जो हमारा डेल्टा एस 1 होगा यहाँ से यहाँ जाने का, वो हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो वेपराइज हो रहा है लिक्विड से हमारा गैस में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40 × 1000 / 373, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4000 / 373, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.0723 × 10⁻²² जूल, ठीक है। सिमिलरली जब हम दूसरे प्रोसेस का हम जो निकालेंगे S2 का, तो वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है नहीं, क्योंकि उसका जो हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा पर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। वो हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे NRLnP2/P1, क्योंकि हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि हमारा N1 है, × R × ln ln 2/1, ये आ जाएगा R ln 2, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।